नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। सीएम योगी ने गोंडा में की 13 विभागों की समीक्षा, बाढ़ नियंत्रण रहा मुख्य मुद्दा। आगरा में एससी एसटी आरक्षण में कोटा पर विरोध शुरू, भारत बंद का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया झटका, उपराज्यपाल कर सकते हैं एमसीडी में एल्डर मैन की नियुक्ति। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज आएगा फैसला। संजय राउत का बड़ा बयान, 10 साल में हुआ सबसे ज्यादा लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड पर हम करेंगे चर्चा। दिल्ली कोचिंग हादसे में बेसमेंट के सह मालिकों की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत, करीब 40 लोग लापता। निफ्टी में 400 तो सेंसेक्स में 1300 अंकों की गिरावट, अमेरिकी शेयर बाजार के संकट का दिख रहा असर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ समेत यूपी के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।